हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सतीश कौशिक को इस दुनिया छोड़े 2 दिन हो चुके हैं और हर कोई अभी भी इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा है। उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनके करीबी और उनके परिवार वालों का हाल काफी बुरा है और अब इसी लिस्ट में अमिताभ बच्चन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की खुद अभी तबीयत ठीक नहीं है। बीते दिनों वो जब प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे तो उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया था जिसकी वजह से उनकी पसलियों में चोट आई थी और वो फिलहाल अपने घर पर आराम कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है और अब ऐसे में अमिताभ बच्चन भी सतीश कौशिक के जाने से काफी भावुक हो गए हैं। एक बार फिर से अमिताभ को आ गई है अब सतीश की याद। जी हाँ, और उन्होंने एक ब्लॉग में कुछ खास बातें लिखी है सतीश कौशिक को याद करते हुए। क्या कुछ लिखा है चलिए आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि तमाम अपडेट्स मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करती हूँ। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अब से कुछ ही देर पहले एक ब्लॉग शेयर किया है और इस ब्लॉग की जो शुरुआत है वो उन्होंने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए की है। इस ब्लॉग में उन्होंने लिखा है, हम दोनों ने साल 1998 में आई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में स्क्रीन शेयर की थी। बिग बी ने लिखा, और हमने एक और खो दिया है, एक शानदार कंपनी थी वो मेरे लिए, सबसे कुशल कलाकार और अपने करियर के चरम पर सतीश कौशिक, आपके साथ काम करना बहुत ज्यादा प्रेरणादायक रहा और ऐसी सीख मेरी प्रार्थनाएं। जी हाँ, अपनी प्रार्थनाओं में सतीश कौशिक को रखा है अमिताभ बच्चन ने और वो काफी ज्यादा सतीश को याद करके भावुक भी हुए हैं। वाकई में सतीश कौशिक का यूं अचानक से चले जाना हर किसी के लिए बहुत क्षति है और इस क्षति को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही।